साल 2017 में म्यांमार सरकार और विद्रोही रोहिंग्या मुसलमानों के बीच छिड़े युद्ध जैसे हालात तो आपको याद ही होंगे। इस विद्रोह ने जहां म्यांमार सरकार की नाक में दम कर दिया था, वहीं हथियार उठाए विद्रोही रोहिंग्या मुस्लिम भी नरसंहार करने से बाज नहीं आ रहे थे। ऐसे ही एक नरसंहार में 99 हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया गया था, ऐसा एक रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है। दरअसल मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल हुई हिंसा में करीब 99 हिंदू नागरिकों को रोहिंग्या विद्रोहियों ने मार डाला था। एमनेस्टी के मुताबिक उसने बांग्लादेश और म्यांमार के रखाइन प्रांत में कई इंटरव्यू किए, जिनसे पुष्टि होती है कि अराकाइन रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी यानी आरसा ने ये हत्याएं की थी। एमनेस्टी की इस डरावनी रिपोर्ट के मुताबिक म्यांमार के हिंदू गांव एहनोक खा मोंग शेक पर आरसा के सदस्यों ने अगस्त 2017 में हमला किया था। इस क्रूर और बेतलब हमले में आरसा के सदस्यों ने हिंदू महिलाओं, पुरुषों, बच्चों को पकड़ा और गांव के बाहर ले जाकर मारने से पहले डराया। गांव की एक महिला ने एमनेस्टी को बताया, इस क्रूर और बेतलब हमले में आरसा के सदस्यों ने हिंदू महिलाओं, पुरुषों और बच्चों को पकड़ा और गांव के बाहर ले जाकर मारने से पहले डराया। उन्होंने पुरुषों को मार डाला। हमसे कहा गया कि उनकी तरफ ना देखें। उनके पास खंजर थे, कुछ भाले और लोहे की रॉड्स भी थी। हम झाड़ियों में छिपे हुए थे और वहां से कुछ कुछ देख सकते थे। मेरे चाचा, पिता, भाई सभी की हत्या कर दी गई। आपको बता दें, रोहिंग्या विद्रोहियों ने म्यांमार में कई पुलिस पोस्ट पर भी हमले किए थे, जिसके जवाब में म्यांमार की सेना ने भी रोहिंग्या विद्रोहियों के खिलाफ जबरदस्त अभियान चलाया था, जिसकी वजह से करीब 7 लाख रोहिंग्या मुसलमानों को म्यांमार छोड़ना पड़ा था। म्यांमार सरकार की भी इस मामले पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आलोचना हुई थी।